फ्रेंड्स, ये बैंगल बॉक्स बनाया है मैंने। और ये ना जो जूते हैं का डब्बा होता है उसका बनाया है मैंने। और खाली पड़े हुए जूते के डब्बे सबके घर में होते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उनको फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं होते। लेकिन आप इन सारी वेस्ट चीज़ों से आप सुंदर सा प्यारा सा बैंगल बॉक्स तैयार कर सकते हो, या फिर आप जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र होता ना वो भी आप उसको तैयार कर सकते हो, जो शूज़ के खाली डब्बे पड़े हुए होते हैं। तो मैंने देखो ये बैंगल बॉक्स तैयार किया है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इन बैंगल बॉक्स को तैयार किए हुए। और ये मैंने वेलवेट पेपर से बनाया है। और जो ये छोटा वाला है, ये जो छोटा वाला शूज़ का डब्बा होता है ना, उससे बनाया है। और दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल, जो मेरे पास तो घर में ही पड़ा था ये सारा सामान, बस मैंने वेलवेट लिया था, बाकी फेविकोल वगैरह और ये जो ये फ्लावर वगैरह और लेस वगैरह नहीं, ये मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी से ये सुंदर से दोनों बैंगल बॉक्स तैयार किए हैं। देखो अब तो इनका कलर ना काफ़ी डल हो गया क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे इन्हें बनाए हुए। तो ये मैंने मम्मी को बनाकर दे दिए थे, मम्मी की चूड़ियाँ और इसमें रखी रहती हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने जो खाली शूज़ के डब्बे पड़े हुए थे उसे एक बैंगल बॉक्स तैयार किया। तो आप लोग भी जो आपके घर में वेस्ट शूज़ के डब्बे पड़े हुए हैं उनसे आप ये अच्छा सा बैंगल बॉक्स तैयार कर सकते हो। और देखो कुछ ज़्यादा रुपए भी नहीं खर्च हुए, मतलब वेलवेट पेपर ही आया, फेविकॉल, और जो अगर आप उस पर जो भी डेकोरेशन की चीज़ लगाना चाहो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको सिंपल भी ऐसे ही बना सकते हो। और इससे क्या होता है, देखो चूड़ियाँ भी आपकी अच्छी तरीके से स्टोर हो जाती हैं, जो और जो आपका जो वेस्ट शूज़ के डब्बे हैं वो भी आपके अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हो और मतलब घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो। और अगर आपको मेरा ये बैंगल बॉक्स जो मैंने घर में ही तैयार किए हैं अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।